नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मेरी राइड का डे टू। अभी टाइम हुआ है 9:10। कल हम रुके थे कोटद्वार। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम सुबह चले थे घर से 9 बजे, बट गाजियाबाद के बाद रास्ते बिल्कुल ख़राब थे और गाजियाबाद आने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था रास्ते में। NH1 हाईवे पे भी काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, और दिल्ली में तो ट्रैफिक होता ही है, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे। और रास्ते में जो रोड थे गाजियाबाद के बाद, वो भी उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, गड्ढे थे और लाइट लो हो चुकी थी जब हम गाजियाबाद से निकले। और बाकी ट्रैवल हमने सारा रात को ही किया है, और जैसे कि ट्रक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे उस रोड पे, तो हमें पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे। उसके बाद 9 बजे के बाद हमें आधा घंटा लगा होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन थे शादी वगैरह के, तो उसकी वजह से सभी होटल्स बुक थे। उसके बाद हम गए डिनर के लिए, और उसके बाद हम डिनर करके वापस आए लगभग 11 बजे। उसके बाद मैंने अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र की, तो हमें सोते सोते लगभग 1:30 या 2 बज चुके थे। और अभी टाइम हुआ है 9:10। अब हम निकल रहे हैं लैंसडाउन के लिए। तो अभी टाइम हुआ है 9:30 और हम निकल रहे हैं लैंसडाउन के लिए। हमने अपनी बाइक को लोड कर दिया है। अपनी स्पीति ट्रिप पे मैं अकेला था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, बट अब की बार हम दो हैं, अंकित भी है साथ में, तो आसानी से लोड हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बैग हैं जो, ये अलग अलग नहीं होते, इनको इकट्ठा ही लेके जाना पड़ता है और इकट्ठा ही वापस रखा जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं या फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रूम मिलता है, तो वहाँ पे इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में देखते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे या नहीं, फिर सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे हम लैंसडाउन। लैंसडाउन है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर, जिसके लिए हमें लगेगा मेरे ख्याल से 2 घंटे या 1.5 घंटा। तो अभी टाइम हुआ है 9:44 और हम रुके थे इस होटल में, ये है यहाँ पे बस स्टैंड। अब हम निकल रहे हैं लैंसडाउन के लिए। कोटद्वार से निकलते ही पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। कोटद्वार हमने जस्ट क्रॉस ही किया था, उसके बाद से ही पहाड़ी रास्ता हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका है। और ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है, कल कोटद्वार से 10-12 किलोमीटर पहले सारा रास्ता ऐसे ही था, बट वो प्लेन रोड थी। ये अब घुमावदार रास्ते धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके हैं कोटद्वार से निकलते ही। कोटद्वार तक बिल्कुल प्लेन था। तो यहाँ से कालागढ़ है 50 किलोमीटर और लैंसडाउन है 37 किलोमीटर। हमारा पहले प्लान था कालागढ़ टाइगर रिजर्व विजिट करने का, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, बट हमारा प्लान इतने दिन का नहीं है, तो इसलिए हमने ये स्किप कर दिया है। फिर कभी आएंगे तब देखेंगे। तो ये आ चुका है हमारी राइड का पहला आयरन ब्रिज। अब बिल्कुल हिली रास्ता स्टार्ट हो चुका है, घुमावदार रोड है। ये आया है पहला गांव कोटद्वार से निकलने के बाद, छोटा सा ही था। यहाँ पे भी ये लैंडस्लाइड हुई होगी बारिश के टाइम शायद। तो ये आ चुका है दुगड्डा,
जब हम जिम कॉर्बेट जाते हैं जो सोनानडी जोन है, तो हमें दुगड्डा से एक अलग रोड जाती है, वो लेके जाना पड़ता है। दुगड्डा तक इसी रास्ते से आना पड़ता है। तो दुगड्डा से लेंस डाउन है लगभग 25 किलोमीटर। दुगड्डा एक छोटा सा टाउन टाइप से है। यहाँ पे फिर से रोड दो जगह जा रहा है, उस पे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है लेंस डाउन 22 उधर। अभी देखते हैं मैप में कहाँ से है रास्ता। लेंस डाउन इधर, तो राइट को है लेंस डाउन। अंधेरे में यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, तो अगर आप कभी आओ कोटद्वार से, ये पहला ही टी पॉइंट टाइप से आएगा, तो इसको राइट साइड को आना है लेंस डाउन के लिए। ये जो रास्ता है बिल्कुल सिंगल लेन हो चुका है, क्योंकि वो जो पहले रोड था वो जा रहा था पौड़ी, तो लेफ्ट को जो गया वो तो वो पौड़ी गया, तो वो था मतलब इससे डबल था। ये बिल्कुल ही नैरो है, सिर्फ एक बड़ा व्हीकल ही जा सकता है एक बार में। उस मोड़ के बाद से बहुत सारे रिजॉर्ट्स आ रहे हैं रास्ते में। अब शायद लेंस डाउन तक ऐसे ही रास्ते में रिजॉर्ट्स आते रहेंगे। लेंस डाउन है यहाँ से 16 किलोमीटर और रोड वैसे ही है बिल्कुल नैरो। इस लोकेशन पे भी काफी सारे रिजॉर्ट्स हैं। लेंस डाउन 13 किलोमीटर। जब हम नीचे थे तो अलग तरह के पेड़ पौधे थे, और अब ये पेड़ अलग हो चुके हैं, क्योंकि हर एक पौधा एक अपनी स्पेसिफिक हाइट पे ही उगता है। तो जैसे जैसे हाइट चेंज होती रहती है, पेड़ पौधे भी चेंज होते रहते हैं। अभी लेंस डाउन यहाँ से बचा हुआ है 8 या 9 किलोमीटर, और हाइट पे काफ़ी आ चुके हैं हम। जब हम नीचे थे तो वहाँ पे गेहूं वगैरह उगाए हुए थे, बट ऊपर कोई खेत दिखाई नहीं दे रहे। आगे होंगे तो देखते हैं। तो अभी हम हैं लेंस डाउन से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले, और हमें ये एक होमस्टे दिखा है, सत्या होमस्टे, शायद नीचे है। अंकित देखने जा रहा कि वहाँ पे रास्ता वगैरह है या नहीं जाने का। होमस्टे होटल से थोड़े से अफोर्डेबल पड़ते हैं, और रहने के लिए भी ठीक होते हैं, मतलब जो भी हमें चाहिए बेसिक चीज़ें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, और ये लोकेशन भी अच्छी है। तो अंकित है वहाँ, वो पूछने गया है कि अवेलेबल है या नहीं। बट यहाँ पे रास्ता काफ़ी नैरो है, बाइक ले जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक तो बाइक जा सकती है, बट इससे आगे और भी नैरो रास्ता है, तो बाइक नहीं जाएगी। तो हम आगे ही देखेंगे कोई होमस्टे वगैरह। ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हो।
ये खड़ी हुई मेरी बाइक। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे, रास्ते में देखते हैं कोई और होमस्टे वगैरह मिलता है तो। यह व्यू देख सकते हो यहाँ से, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। अब रोड और भी ज्यादा हाइट पे जाती जा रही है। यहाँ पे हमें दिखा एक और होमस्टे, तो हमें मिला ही एक और होमस्टे। वो जो पहले वाला था वो था नीचे, यहाँ पे देखते हैं कि कैसा है। तो अभी हम आगे जाके और होमस्टेज वगैरह देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। जो ये होटल या रूम्स ढूंढने की प्रोसेस है ये काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, बट जब हम बजट ट्रिप पे होते हैं तो ये सब करना ही पड़ता है। तो अभी हम रुके हैं थर्ड होमस्टे पे, पहले रूम लेके हम अपना सामान वगैरह वहाँ रख देंगे, उसके बाद हम जाएंगे लेंस डाउन घूमने। यहाँ से अब स्नो पिक्स दिखाई दे रही हैं और लेंस डाउन भी 5 किलोमीटर ही रहता है यहाँ से। तो अब हम वापस नीचे जा रहे हैं, हम गलती से जो कैंट एरिया है लेंस डाउन का वहाँ आ गए थे, और उससे आगे चर्च वगैरह जो घूमने के लिए जगह हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो एक नीचे से चौक था वहाँ से राइट लेके जाना था मार्केट की तरफ, क्योंकि हम ये जगह घूमेंगे बाद में, पहले हम अपना सामान वगैरह रखेंगे। आगे मैं वीडियो बंद कर दूंगा क्योंकि फिर से कैंट एरिया आएगा, बल्कि ये भी कैंट एरिया ही चल रहा है। सीधा मार्केट की तरफ जब जाएंगे वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ से हम आ चुके हैं वापस मार्केट की तरफ, अब यहाँ पे ढूंढेंगे कोई होटल या होमस्टे वगैरह। पहुंच गए थे लेंस डाउन के मार्केट और हमने यहाँ पे एक रूम भी ले लिया है। ये है हमारा रूम, नीचे से रास्ता। रूम वैसे तो छोटा सा ही है बट ठीक है। ये वॉशरूम और ये बेड, ये छोटी सी अलमीरा है कुछ रखने के लिए। तो अभी हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी नजदीक नजदीक जगह होंगी उनको देखने के लिए जाएंगे।